प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा आंदोलन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी वर्ष मनाए जाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दृष्टिगत शहीद स्मारक चौरी चौरा का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। शहीद स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने स्मारक स्थल पर पुष्प समर्पित कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेते हुए निर्देश दिए कि शहीद स्मारक के दीवालों पर चौरी चौरा आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के चित्रों की पेंटिंग बनवाई जाए तथा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इतिहास एवं साहित्य को संग्रहित किया जाए। साथ ही साहित्य एवं इतिहास का डिजिटलीकरण भी कराया जाए जिससे आम जन उसका अध्ययन कर जानकारी हासिल कर सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चौरी चौरा स्मारक के संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों पर भी उनके इतिहास को प्रदर्शित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रमुख स्थानों पर चौरी चौरा के इतिहास प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित किया जाए जिससे चौरी चौरा स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का पूरे प्रदेश में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर बनाया जाए तथा अन्य दिनों में भी विभिन्न शहीद स्मारकों पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य शहीद स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित कराए जाए और सप्ताह में एक दिन शहीद स्मारकों पर पुलिस बैंड भी अपना कार्यक्रम करे। उन्होंने कहा कि सभी शहीद स्थलों पर माह में एक बार कार्यक्रम अवश्य आयोजित हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाए तथा चौरी चौरा आंदोलन से जुड़े शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में 2 कमेटी गठित की गई है जो कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में अपना सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री भी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और एक डाक टिकट जारी करेंगे। निरीक्षण के दौरान सांसद कमलेश पासवान, विधायक संगीता यादव, अपर पुलिस महानिरीक्षक दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार, ADM फाइनेंस राजेश सिंह, चौरी चौरा के SDM पवन कुमार, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हाँ सर, एक बार चला है इनका पानी कम, ये चलाएंगे सर, हाँ सर, फैक्स पैड से है, हाँ सर, अरे फैक्स पैड का काम होने वाला पूरा, ये दीवार तो हो गई थी सर, आप पूरी कराएंगे, पूरी कराएंगे सर, जी सर, फैक्स पैड से पानी, ये फाउंटेन चलेंगे ना अभी सर, पानी चला नहीं पाएंगे, हेलो हेलो, वहाँ फोन कवर करेंगे भाई, वो तो कैसे पहुँचोगे आप लोग यार, वहाँ वो भी कवर करो, कहा जाएगा सर, घेर लेते हैं, चलिए पीछे 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 पीछे, आगे मोबाइल का नहीं है, पुष्पांजलि का कार्यक्रम कर लें, एक बार पुष्पांजलि कर लें, दूर से आप लोगों को कर लेना है जी, जी थोड़ा अब ले लेते आपका बुकिंग है लिया,
फुहारा चलता है इसके लाइटिंग की व्यवस्था है कि नहीं है? बिजली कनेक्शन हो गया नहीं? लाइट है कि नहीं इसकी? लाइट अभी है नहीं? अभी लाइट पानी कम है पानी भरवा दो पानी भरना सर पानी भरवा करके लाइटिंग की व्यवस्था दी तब फुहारा चलाए तो उसका अलग से एक आएगा लाइट तुम भाई किनारे किनारे हम लोग सर पूरा वाल में आप लोग इसके अंदर जाइए ना और आप अंदर चलिए तो फिर सर अंदर से जाना है ना हमारा भी चलेगा सर पे कभी बात में ये सर इधर से अरे और फिनिशिंग पॉलिशिंग करा लेंगे सर हां नहीं इसको ठीक है थोड़ा सलन ना होना इस तरह सर ये करीब 2 करोड़ 18 लाख का काम था पर्यटन विभाग का पहले कहा था दूर से लाइटिंग वगैरह ठीक करवाइए इस पर भी लाइट वगैरह दीजिए भाई भाई पीछे आते जाओ लाइट वगैरह पानी भरवा करके सर लाइट दे देंगे तो और ठीक से चले रात्रि को चलना क्या ये जैसे क्रांतिकारी थे जो यहाँ सही हुए थे इन दीवारों पे उनकी फोटो आ सकती है हाँ, इनका मूर्ति भी बना के रखे हैं सर मूर्ति फोटो इसके साथ आ जाएगा सर अभी रहा सर कुछ लोगों ने ले लिए कम से कम परिचय सर के साथ उनका फोटो दे दीजिए जो यहाँ पे शहीद हुए थे जिनको फांसी थी सर उसको एक बार दे देंगे ठीक है बड़ी बड़ी काम अभी बाकी है सर अभी चालू करेंगे चारों तरफ गमला लगा दो साल पूरे होने जा रहे हैं स्थलीकरण लाइब्रेरी का समय डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में उसको डेवलप करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ जितना साहित्य है उसको मंगा करके लाइब्रेरी में रखवाने की व्यवस्था करना उसके प्रदर्शन ही लगना सर और डिजिटल मूर्ति के रेलवे स्टेशन के रख लिया सर ऊपर हाँ माला और पेंटिंग ठीक होनी चाहिए हर साल उसको देख करके व्यवस्था ही करा सभी मूर्तियों की पेंटिंग ठीक करवा दें यहाँ पे जो शहीद हुए थे उनकी फोटो पहले आने की उनकी प्राथमिकता देनी ठीक है ना कुछ महाराज जिंदाबाद 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 देखिए देश की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक चोरी चोरा की घटना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने
4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर इसके लिए दो समितियां गठित हुई हैं, एक मुख्य आयोजन समिति जो प्रदेश की राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में बनाई गई है और दूसरी जो कार्यकारी समिति होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी है। 4 को एक मुख्य महोत्सव यहाँ पर चोरी चोरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर ही आयोजित होना है और इस ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शताब्दी महोत्सव का डाक टिकट जारी करवाने और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेशवासियों को देशवासियों को चोरी चोरा की घटना के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होगा। इसी दृश्य आज यहाँ पर तैयारी के लिए हम लोग आए थे, देखने के लिए आए थे वर्ष भर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। प्रदेश के हर एक जनपद के हर एक शहीद स्मारक पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस अवसर पर होने हैं, इसी सब तैयारी के लिए आज यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, अपने शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक अवसर है और इस अवसर पर पूरे समाज की सहभागिता से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य होगा।